सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों में बताने वाला हूँ रियलमी नाइजो 30 प्रो में स्प्लिट स्क्रीन कैसे इनेबल कर सकते हो और क्या काम है इस स्प्लिट स्क्रीन का। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आपको स्प्लिट स्क्रीन के बारे में अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, ताकि आपको समझ में आए। तो स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए क्या करना है गाइस, आपको पहले सेटिंग अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे में आपको जाना है, नीचे में सबसे नीचे नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, ये वाला गाइस। सो इस पर क्लिक करते हैं। सो स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिएगा मेरा स्प्लिट स्क्रीन इनेबल है। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँ तो यहाँ स्प्लिट स्क्रीन काम नहीं करेगी। तो अब हम इसे इनेबल कर देते हैं, तो चलते हैं इनेबल कर देते हैं। तो इनेबल कर देते हैं गाइस। अब ये स्प्लिट स्क्रीन कैसे काम करेगी, थ्री फिंगर आपको स्लाइड करके ऊपर की जानिब, यानी कि ऊपर अप की तरफ करना पड़ेगा। मतलब कि मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, मेरा स्प्लिट स्क्रीन काम कर चुका है। और ये स्प्लिट स्क्रीन किसी किसी एप्लीकेशन में नहीं होता है, मतलब कि स्प्लिट स्क्रीन किसी किसी एप्लीकेशन, कोई कोई एप्लीकेशन होता है ना गाइस, वो सपोर्ट नहीं करता। तो मैं यूट्यूब का मामला दिखा देता हूँ यार, यूट्यूब तो हमेशा सपोर्ट करता है, तो मैं यूट्यूब का बात दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ अपना सेटिंग्स भी, यहाँ पर सेटिंग्स भी देख सकते हो गाइस, अपना सेटिंग्स भी देख सकते हो। देखो सेटिंग्स भी चला सकते हो, सेटिंग्स भी कर सकते हो, और स्प्लिट स्क्रीन भी यहाँ पर इनेबल है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ताकि वो लोग भी स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करना सीख ले। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर एक लाइक करना, और लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, तो ज़रूर लाइक करना गाइस, ताकि हम आप लोगों का ये जो भाई है ना, वो हमेशा आप लोगों के लिए ट्रिक्स वाली वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।